लीजिए हाजिर हूँ हर सुबह हर शाम की तरह लेकर के देश दुनिया की तमाम खबरें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं SN न्यूज पर। चलिए बात करते हैं देश दुनिया की खबरों के बारे में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से SN न्यूज पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लोकसभा ओपिनियन पोल के बारे में। तो दोस्तों, एक एक करके सभी राज्यों वार लोकसभा ओपिनियन पोल के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में किस पार्टी की बनने जा रही है सरकार। तो दोस्तों, यहां पर सबसे पहले निकल के आ रहा है उत्तराखंड। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटें हैं और पांचों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी को यहां पर 0 और अदर पार्टी को यहां पर 0-0 सीट। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं लोकसभा की अगले राज्यों की। तो यहां पर निकल के आ रहा है हरियाणा। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटें हैं, 10 में से 4 पर भारतीय जनता पार्टी तो 6 पर कांग्रेस पार्टी, अदर पार्टी को यहां पर 0-0 सीट। तो दोस्तों, यहां पर हरियाणा की 10 में से 4 पर बीजेपी, 6 पर कांग्रेस पार्टी और अदर पार्टी को यहां पर 0-0 सीट। लोकसभा की 543 सीटों में से 15 लोकसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो यहां पर NDA यानी बीजेपी खाते में 9, तो UPA को यहां पर 6, अदर पार्टी को यहां पर 0-0 सीट। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं अगले राज्यों की। तो यहां पर निकल के आ रहा है अगला राज्य है केरल। केरल की 20 लोकसभा सीट है और 20 में से 1 पर भारतीय जनता पार्टी यानी NDA गठबंधन, यहां पर UPA को यहां पर 10, तो अदर पार्टी को यहां पर 9 सीटें। तो दोस्तों, यहां पर लोकसभा की 543 सीटों में से 35 लोकसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो यहां पर NDA गठबंधन को 10, तो UPA को यहां पर 16, अदर पार्टी को यहां पर 9 सीट। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं नागालैंड की 1 लोकसभा सीट और 1 ही सीट पर भारतीय जनता पार्टी। लोकसभा की 543 सीटों में से 36 लोकसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर सीधा देख पा रहे हैं। NDA गठबंधन को यहां पर 11, तो UPA को यहां पर 16 और अदर पार्टी को यहां पर 9 सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है। तो जी दोस्तों, बात कर लेते हैं दिल्ली की। जी हाँ दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली की 7 लोकसभा सीटें और 7 ही लोकसभा सीटों पर फिर से भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हो सकती है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट है। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं लोकसभा की। 543 सीटों में से 43 लोकसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर सीधा देख पा रहे हैं और 43 में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी NDA गठबंधन को यहाँ पर 18, तो UPA को यहाँ पर 16, अदर पार्टी को यहाँ पर 9 सीटें जीतने का मौका मिल सकता है। तो जी दोस्तों, बात कर लेते हैं मेघालय की। 2 लोकसभा सीट है, 2 में से 2 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं अगले जिलों के बारे में, तो अगले राज्यों के बारे में। तो यहाँ पर निकल के आ रहा है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीट है, 2 में से 2 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी। लोकसभा की 543 सीटों में से 46 लोकसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन देख पा रहे हैं। NDA गठबंधन खाते में 22, तो UPA को यहां पर 16 और अदर पार्टी को यहां पर 9 सीटें जीतने का मौका मिल सकता है। दोस्तों, बात कर लेते हैं अगले राज्यों की। तो यहां पर निकल के आ रहा है अगला राज्य पंजाब। पंजाब की 13 लोकसभा सीट है, 13 में से 2 पर है NDA गठबंधन, तो यहां पर UPA को 5 और अदर पार्टी को यहां पर 6 सीटें, आम आदमी पार्टी शिरोमणि अकाली दल को यहां पर 6 सीटें। तो यहां पर लोकसभा की 543 सीटों में से 60 लोकसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो दोस्तों, यहां पर NDA को यहां पर 24, तो UPA को यहां पर 21 और अदर पार्टी को यहां पर 15 सीटों पर जीत हासिल हो सकती है। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की। 11 लोकसभा सीटों में से 8 पर बीजेपी, तो 3 पर कांग्रेस पार्टी और अदर पार्टी को यहां पर 0-0 सीट है। लोकसभा की 543 सीटों में से NDA गठबंधन का तमाम यहां पर 32, तो UPA को यहां पर 24 और अदर पार्टी को यहां पर 15 सीट जीतने का मौका मिल सकता है। गुजरात के, जी हाँ दोस्तों, नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात की 26 लोकसभा सीटें, 26 में से सभी 26 की 26 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में। तो यहां पर UPA को यहां पर 0 और अदर पार्टी को यहां पर 0-0 सीट। तो दोस्तों, यहां पर लोकसभा की 543 सीटों में से 97 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो यहां पर NDA गठबंधन खाते में 58, तो UPA को यहां पर 24 और अदर पार्टी को यहां पर 15 सीट जीतने का मौका मिल सकता है। दमन और दीव की 1 लोकसभा सीट और 1 ही लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी। तो जी दोस्तों, बात कर लेते हैं मिजोरम की 1 लोकसभा सीट और 1 ही लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी यानी NDA गठबंधन। UPA को यहां पर 0 और अदर पार्टी को यहां पर 0-0 सीट। राजस्थान की, जी हां दोस्तों, राजस्थान की 25 लोकसभा सीटें हैं, 25 में से यहां पर NDA गठबंधन खाते में 23, तो UPA को यहां पर 1 सीट और अदर पार्टी को यहां पर 1 सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है, यानी कि RLP को 1 सीट मिल सकती है। लोकसभा की 543 सीटों में से 124 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन देख पा रहे हैं। NDA गठबंधन खाते में 83, तो UPA को यहां पर 25 और अदर पार्टी को यहां पर 16 सीटें जीतने का मौका मिल सकता है। तो जी दोस्तों, बात कर लेते हैं अगले
राज्य के बारे में, तो यहाँ पर देश का सबसे बड़ा यानी दूसरा राज्य लोकसभा की सीटों में से यहाँ पर महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से 31 लोकसभा सीटों पर एनडीए, तो यहाँ पर यूपीए को यहाँ पर 5 और अदर पार्टियों यानी शिवसेना और अदर पार्टियों को यहाँ पर 12 सीट मिल सकती है। तो जी दोस्तों, यहाँ पर लोकसभा की 543 सीटों में से 172 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन खाते में 114, तो यूपीए खाते में 30 और अदर पार्टी को यहाँ पर 28 सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है। तो जी दोस्तों, बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की। 4 लोकसभा सीटें, 4 में से 1 पर एनडीए तो 1 पर यूपीए। लोकसभा की 543 सीटों में से 117 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एनडीए को यहाँ पर 117, तो यूपीए को यहाँ पर 31, अदर पार्टी को यहाँ पर 28 सीटें जीतने का मौका मिल सकता है। लक्षद्वीप की 1 लोकसभा सीट और 1 ही लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी। पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से यहां पर 17 पर एनडीए तो 0 पर यूपीए, और टीएमसी को यहां पर 25 सीटें, अदर पार्टी को यहां पर 0-0 सीट। लोकसभा की 543 सीटों में से 219 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन देख पा रहे हैं। एनडीए को यहां पर 135, तो यूपीए को यहां पर 31 और अदर पार्टी को यहां पर 53 सीटें जीतने का मौका मिल सकता है। तो जी दोस्तों, बात कर लेते हैं सिक्किम की। 1 लोकसभा सीट और 1 ही लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जा सकती है। पौंडीचेरी की 1 लोकसभा सीट और 1 ही लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन खाते में, यूपीए को यहाँ पर 0 और अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। तो जी दोस्तों, बात कर लेते हैं तेलंगाना यानी आंध्र प्रदेश से अलग हुआ तेलंगाना की। यहाँ पर 17 लोकसभा सीटें, 17 लोकसभा सीटों में से यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 5 सीटें, तो यूपीए को यहाँ पर 3 और अदर पार्टी यानी टीआरएस को यहाँ पर 9 सीटें। लोकसभा की 543 सीटों में से 238 लोकसभा सीटों का सर्वे अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एनडीए गठबंधन का 142, तो यूपीए को यहाँ पर 34 और अदर पार्टी को यहाँ पर 62 सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है। तो जी दोस्तों, बात कर लेते हैं गोवा की। 2 लोकसभा सीटें, दोनों ही लोकसभा सीटों पर बीजेपी, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 0 और अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। तो जी दोस्तों, बात कर लेते हैं त्रिपुरा की। 2 लोकसभा सीटों में से 2 की 2 लोकसभा सीटें एनडीए गठबंधन खाते में, यूपीए को यहाँ पर 0 और अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। असम की 14 लोकसभा सीटों में से 12 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, तो यहाँ पर 2 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी और अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। लोकसभा की 543 सीटों में से 256 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन खाता में 158, तो यूपीए को यहाँ पर 36 और अदर पार्टी को यहाँ पर 62 सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है। तो जी दोस्तों, बात कर लेते हैं ओडिशा की। 21 लोकसभा सीटों में से 8 पर बीजेपी, तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन खाते में 8 सीटें, तो यूपीए को यहाँ पर 3 और अदर पार्टियों यानी वाईएसआर कांग्रेस और टीडीपी को यहाँ पर 10 सीटें और अन्य पार्टियों को यहाँ पर 20 सीटें मिल रही हैं। लोकसभा की 543 सीटों में से 277 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन देख पा रहे हैं। एनडीए गठबंधन खाते में 166, तो यूपीए को यहाँ पर 39 और अदर पार्टियों को यहाँ पर 72 सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है। तो जी दोस्तों, बात कर लेते हैं अंडमान व निकोबार द्वीप समूह की। तो यहाँ पर 1 लोकसभा सीट और 1 ही लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के पाले में जा सकती है। मणिपुर की 2 लोकसभा सीटें, 2 में से 1 पर एनडीए तो 1 पर यूपीए। लोकसभा की 543 सीटों में से 280 लोकसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन देख पा रहे हैं। एनडीए गठबंधन खाते में 168, तो यूपीए खाते में 40 और अदर पार्टी को यहाँ पर 72 सीटें जीतने का मौका मिल सकता है। तो जी दोस्तों, बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश की। 25 लोकसभा सीटों में से 8 पर एनडीए गठबंधन, तो यहाँ पर 4 सीटों पर यूपी और अदर पार्टी को यहाँ पर 13 सीटें जीतने का मौका मिल सकता है। तो जी दोस्तों, बात कर लेते हैं लोकसभा की 543 सीटों में से 305 लोकसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन में देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन खाते में 176, तो यूपीए को यहाँ पर 44 सीटें और अदर पार्टी को यहाँ पर 85 सीटें जीतने का मौका मिल सकता है। तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटों की बात करें, तो यहाँ पर 39 में से 18 यूपीए को, तो यहाँ पर एआईएडीएमके और बीजेपी का करार है, तो वहीं यूपीए और डीएमके का यहाँ पर करार है, तो यहाँ पर 19 सीटें यूपीए को मिल सकती है, अदर पार्टी को 2 सीटें जीतने का मौका मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लोकसभा की 543 सीटों में से 344 सीटों का सर्वे आप किस क्रम देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन को यहाँ पर 194 सीटें, तो यूपीए को यहाँ पर 63 सीटें और अदर पार्टी को यहाँ पर 87 सीटों पर संभल कर रहना पड़ सकता है। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। जी हाँ दोस्तों, देश के सबसे बड़े राज्य और आबादी के क्षेत्र से सबसे बड़े राज्य और सीटों के लिहाज से भी सबसे बड़े राज्य यानी उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से किस पार्टी को कितनी सीट मिल रही है। तो दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं 70 सीटों पर एनडीए, तो यहाँ पर 10 सीटों पर एसपी, बीएसपी और अदर पार्टियां, और यूपीए को यहाँ पर बिल्कुल जीरो का सामना करना पड़ सकता है। लोकसभा की 543 सीटों में से 400
120 सीटों का सर्वे की स्क्रीन देख पा रहे हैं। एनडीए गठबंधन खाते में 264 तो यूपीए खाते में 63 तो अन्य पार्टियों को यहाँ पर 97 सीटें मिलने की संभावनाएं सताई जा रही है। तो जी दोस्तों बात कर लेते हैं दादरा एंड नागर हवेली की एक लोकसभा सीट और एक ही लोकसभा सीट पर एनडीए गठबंधन का दबदबा रह सकता है। चंडीगढ़ की एक लोकसभा सीट में से एक ही सीट पर एनडीए गठबंधन का दबदबा रह सकता है। लोकसभा की 543 सीटों में से 426 सीटों का सर्वे ऐप की स्क्रीन देख पा रहे हैं। एनडीए गठबंधन खाते में 267 तो यहाँ पर यूपीए को यहाँ पर 63 तो अदर पार्टी को यहाँ पर 97 सीटें। दोस्तों बात कर लेते हैं जम्मू एंड कश्मीर की 6 लोकसभा सीटों की तो यहाँ पर 6 में से 2 पर एनडीए 2 पर यूपीए और अदर पार्टी को यहाँ पर 2 सीटें यानी कि तीनों ही बड़ी पार्टी को यहाँ पर 2-2 सीट मिल सकती है। लोकसभा की 543 सीटों में से 432 लोकसभा सीटों का सर्वे अब की स्क्रीन देख पा रहे हैं। एनडीए गठबंधन खाते में 268 यूपीए को यहाँ पर 65 तो अदर पार्टी को यहाँ पर 99 सीटें मिलने की संभावनाएं सताई जा रही है। तो जी दोस्तों बात कर लेते हैं अगले राज्यों के बारे में तो यहाँ पर निकल के आ रहा है अगला राज्य कर्नाटक। कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटें 28 में से यहाँ पर एनडीए गठबंधन खाते में 20 तो यूपीए को यहाँ पर 5 और अदर पार्टी को यहाँ पर 3 सीटें जीतने का मौका मिल सकता है। लोकसभा की 543 सीटों में से 460 विधानसभा लोकसभा सीटों का सर्वे ऐप की स्क्रीन में देख पा रहे हैं तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 288 तो यूपीए को यहाँ पर 70 और अदर पार्टी को यहाँ पर 102 सीट पर जीत हासिल हो सकती है। तो जी दोस्तों बात कर लेते हैं अगले जिलों के यानी राज्यों के बारे में तो यहाँ पर मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटें 29 में से 23 पर यूपीए तो 6 पर कांग्रेस पार्टी और अदर पार्टी को यहाँ पर यानी एनडीए गठबंधन को यहाँ पर 23 तो यूपीए को यहाँ पर 6 सीटें। तो जी दोस्तों लोकसभा की 543 सीटों में से 489 सीटों का सर्वे अब किस देख पा रहे हैं। एनडीए का तमें यहाँ पर 311 तो यहाँ पर 76 सीटों पर यूपीए तो अदर पार्टी को यहाँ पर 102 सीटें मिलने की संभावना सताई जा रही है। तो जी दोस्तों बात कर लेते हैं बिहार की। जी हाँ दोस्तों बिहार की 40 लोकसभा सीटें 40 में से यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 30 तो यूपीए को यहाँ पर 0 आरजेडी और अदर पार्टी को यहाँ पर 10 सीटें। तो दोस्तों यहाँ पर लोकसभा की 543 सीटों में से 529 लोकसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एनडीए गठबंधन को आता है यहाँ पर 341 तो यूपीए को यहाँ पर 76 और अदर पार्टी को यहाँ पर 112 सीटें मिल सकती है। आखिरी में बात कर लेते हैं झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में से यहाँ पर 9 पर एनडीए गठबंधन तो 2 पर यूपीए और अदर पार्टी को यहाँ पर 3 सीटें जीतने का मौका मिल सकता है। लोकसभा की 543 सीटों में से 543 यानी सभी की सभी लोकसभा सीटों में से यहाँ पर एनडीए गठबंधन यानी बीजेपी नरेंद्र मोदी की फिर से 350 सीटों के साथ सरकार बन सकती है। तो यहाँ पर यूपीए को यहाँ पर 78 तो अदर पार्टी को यहाँ पर 15 सीट। आप भी चाहते हो कि नरेंद्र मोदी 2024 में फिर से प्रधानमंत्री बने तो आप इस वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम पर जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू टेकर गुड बाय। जय हिंद जय भारत जय किसान वंदे मातरम जय श्री राम।